बात खनन पर होने वाले मंथन की। खनन क्षेत्रों की समस्याओं पर मंथन होगा आज। केंद्रीय खान मंत्रालय कर रहा है सम्मेलन। केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र तोमर इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। 11 राज्यों के खान मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। इन राज्यों के खान विभाग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। खनन और पर्यावरण के सामंजस्य पर चर्चा होगी। राज्यों में खनन के प्रावधानों पर भी चर्चा होगी। अवैध खनन रोकने पर भी चर्चा होगी। तो अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा प्रदेश के लिए, देश के लिए, और कैसे इसकी चुनौतियों से निपटा जाए, इन तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। बकायदा 11 राज्यों के प्रतिनिधि जुटेंगे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और सभी एक मंच पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो खनन क्षेत्रों की समस्याओं पर आज मंथन। केंद्रीय खान मंत्रालय इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और बकायदा इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के खान मंत्री शिरकत कर रहे हैं और राज्यों के खान विभाग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। खनन और पर्यावरण के सामंजस्य पर भी चर्चा होगी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा से। शशि मोहन, एक अहम कार्यशाला इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि खनन प्रदेश के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। आज जब 11 राज्यों से प्रतिनिधि मंत्री यहां पर जुटेंगे तो क्या कुछ आसार? देखिए सुनीता, जब से देश और दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का मसला आता है, तब तक ये बात होती है कि इनका दोहन किस तरीके से किया जाए, कितना कंट्रोल्ड हो और किस स्तर पर इनका दोहन किया जाए। और जब ये इनका दोहन हो रहा है तो सबकी कोशिश यही होती है कि पर्यावरण का जरूर ध्यान रखा जाए। और इस सम्मेलन के दौरान, इस वर्कशॉप के दौरान भी जो 11 राज्यों के खनिज मंत्री आएंगे और इनके साथ जो अलग अलग राज्यों के जो खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव रहेंगे, उनका फोकस इसी बात पर होगा कि पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, अवैध खनन को कैसे रोका जाए और माइनिंग के क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे कि जो माइनर है उसको भी समस्या नहीं आए और प्रदेश का रेवेन्यू का लीकेज भी रोका जा सके। जी बिल्कुल, बकायदा आज केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र तोमर इस कार्यशाला का उद्घाटन करने वाले हैं। क्या वो पहुंच चुके हैं प्रदेश और कब तक शुरू होगी ये कार्यशाला? देखिए सुनीता, शेड्यूल टाइम इसका 10 बजे का था, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री को पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है और उनके आने के बाद ही ये कार्यशाला शुरू होगी। बाकी जो दूसरे राज्यों के कुछ मंत्री हैं, सचिव हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी जगह संभाल रहे हैं। कार्यशाला उम्मीद की जानी चाहिए कि तकरीबन 10:30 बजे तक शुरू हो ही जाएगी। जी सुनीता, चलिए, तो काफी तकनीकी पहलू हैं जिस पर शशि मोहन आज चर्चा होगी। अगर प्रदेश के लिहाज से हम बात करें, राजस्थान के लिहाज से बात करें, तो अमूमन हम पर्यावरण को नुकसान की खबरें या अवैध खनन की वजह से नुकसान की बातें सुनते हैं, तो क्या ये बिंदु भी उठेंगे और क्या कुछ समाधान यहाँ होता दिखेगा? देखिए सुनीता, राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे अहम मुद्दा होगा जो प्रदेश की खाने हैं उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस का। प्रदेश में तकरीबन 14,000 से ज्यादा खानों पर संकट है और उनको 31 मई तक एनवायरमेंट क्लियरेंस देना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो उसके डायरेक्शन दे चुका है, अगर 31 मई तक उनको क्लियरेंस नहीं मिलती है तो आगे वो खनन नहीं कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में कई खान कारोबारी वो भी हैं जिन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। विभाग ने अपने अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। 31 मई तक इनको एनवायरमेंट क्लियरेंस देनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर ये काम 31 मई की डेडलाइन में हो सकता है क्या? ये मुद्दा आज की कॉन्फ्रेंस में जरूर उठना चाहिए राजस्थान की तरफ से। साथ ही जो प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा है, इसको कैसे रोका जाए? राजस्थान में अलग अलग समय पर संयुक्त अभियान चलाए गए हैं। जो प्रमुख विभाग हैं, पुलिस विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इन सबको मिला करके संयुक्त अभियान चलाए हैं अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए, लेकिन वो कितने कारगर रहे हैं इसकी रिपोर्ट राजस्थान। चलिए, यानी कि इंतजार करना होगा इस कार्यशाला के शुरू होने का, क्योंकि उसके बाद तमाम जो बड़ी समस्याएं हैं खनन विभाग की और कैसे उन समस्याओं का निराकरण हो, ये भी यहाँ पर पता चल जाएगा। शुक्रिया आपका शशि मोहन, आप नजर बनाए रखें। तो आज 11 राज्यों के खान मंत्री शिरकत कर रहे हैं इस कार्यशाला में। कुछ ही देर में इसका आगाज होगा। केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का फिलहाल इंतजार हो रहा है, जो इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसी कार्यशाला की। तमाम 11 राज्यों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं
और अब बस इंतजार हो रहा है केंद्रीय मंत्री का। जैसे ही वो पहुंचेंगे कार्यशाला की शुरुआत होगी और खनन विभाग से जुड़ी तमाम समस्याओं पर चर्चा होगी।